दोस्तों YouTube पर ग्रो करने के लिए, YouTube से पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके वीडियो का रैंक होना। आपका वीडियो रैंक होना चाहिए YouTube सर्च में, तब आप YouTube पर अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको YouTube पर सच में सक्सेस होना है ना, तो आपको आना चाहिए अपने वीडियो को सर्च में ले जाना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को YouTube सर्च में कैसे ले जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, हमारा जो चैनल है क्रिएटर की समस्या, इसी का मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस चैनल पर YouTube सर्च से कितना व्यूज आता है। दोस्तों देखिए, अगर आप यूट्यूब सर्च से अपने चैनल पर व्यूज लाते हैं तो आपकी लंबे टाइम तक कमाई होती है, और आपका वो वीडियो जो यूट्यूब सर्च में जाता है वो आपको अच्छा खासा ऑडियंस देता है और अच्छा खासा पैसा भी देता है। अगर आप एक वीडियो तैयार करते हैं तो आप उस वीडियो को इतना बेहतरीन कर दो, इतना दिमाग लगा के अपलोड करो कि आपके चैनल पर यूट्यूब सर्च से व्यूज आए और 100% आए। अगर आप आज की वीडियो को देख लोगे तो आज की वीडियो देखने के बाद 100% आपका वीडियो यूट्यूब सर्च में जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहां पर पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये हमारे क्रिएटर की समस्या यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है जो कि एक महीने पहले का है। यहां पर आप देख सकते हैं यूट्यूब सर्च से कितना व्यूज आ रहा है। और दोस्तों आज का स्क्रीनशॉट देखिए, हमारे क्रिएटर की समस्या यूट्यूब चैनल का है। देखिए यहां पर आज के टाइम पर इस चैनल पर 44.1% व्यूज यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। मतलब यूट्यूब सर्च से जो व्यूज आ रहा है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया? हमारा वीडियो सर्च में गया। और हमारा वीडियो सर्च में कैसे गया भाई? हमने दिमाग लगाया और हम अपने वीडियो को यूट्यूब सर्च में लेकर गए। आप भी अपने वीडियो को यूट्यूब सर्च में लेकर जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों अब देखिए, बारीकी से समझना, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को YouTube सर्च में कैसे ले जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है vidIQ। देखिए vidIQ एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने vidIQ एप्लीकेशन को ओपन किया, अब हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। जो मैं बताऊं वही चीज आपको फॉलो करनी है। देखिए हमारे मोबाइल में vidIQ एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको कहीं झमेला करने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको सीधा सर्च पे जाना है। आप सर्च पे आए, अब आपको यहां पर टाइप करना है कि यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाएं। यहाँ पर आपने इतना लिखा, YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सर्च में जाना है, यहाँ पर ऊपर लिखा है रिसर्च कीवर्ड, इसमें आपको यही चीज सर्च करनी है जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया हो। जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं वही चीज आपको यहाँ पर सर्च करके देखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लेकर जाए। आप यहाँ पर एक चीज को समझना, इसका सर्च वैल्यू कितना है? इसका सर्च वैल्यू है मीडियम से थोड़ा ज्यादा है। मतलब मीडियम से थोड़ा ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं कीवर्ड को कि YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाए। और यहां पर कंपटीशन कितना है? वेरी लो। मतलब यहां पर हम वीडियो बनाएंगे तो हमारा वीडियो 100% वायरल होने के चांस है और हमारे वीडियो के सर्च में जाने के चांस है। अब हमको इस टॉपिक, हमको यहां से पता चल गया कि भाई हम यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो हमारा वीडियो वायरल जाएगा। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है पता है? अब आपको जाना है गूगल पे। तो गूगल पे आपको सर्च करना है रैपिड टैग, एक वेबसाइट है यहां पर रैपिड टैग। चलिए मैं यहां पर रैपिड टैग सर्च कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही हमने रैपिड टैग सर्च किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके आगे ओपन होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमको इस फर्स्ट वाले साइट को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहां पर इस फर्स्ट वाले साइट को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे आगे ये नया पेज ओपन हो चुका है। यहां पर लिखा है एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। अब दोस्तों मुझे यहां पर क्लिक करना है और यहां पर मैं लिखूंगा कि यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाएं। ठीक है, वही चीज मैं यहां पर सर्च करूंगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर लिखा यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, अब मुझे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, हमारे आगे ये इंटरफेस आ गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, अपने यूट्यूब वीडियो को सर्च में कैसे लाएं। मतलब कई सारे कीवर्ड, कई सारे टैग आपके सामने आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, यहां पर लिखा है कॉपी, आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है।
जब करना है जब आप अपने वीडियो को अपलोड करो। आप अपने वीडियो में टाइटल लिखोगे, YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, क्योंकि भाई इसी टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है। अब हमको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है योर क्वेरीज, मतलब लोगों की जो सर्चेबल टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो, जैसे YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाएं, इस चीज को लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये सारे कीवर्ड नोट कर देने, यहां से कॉपी करना है उधर पेस्ट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का, हर वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एक बार, आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा YouTube वीडियो को सर्च में कैसे लाए, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया तो ये चीज लिखी मिलेगी। मेरा जिस टॉपिक पर वीडियो होगा उससे रिलेटेड कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी होंगे और टेक्स्ट में भी आपको यही चीज लगा देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो 101% सर्च में जाएगा और आपके वीडियो पर 101% यूट्यूब सर्च से व्यू जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले मेरे चैनल पर YouTube सर्च से मात्र 13% व्यूज आता था, लेकिन आज के टाइम पर मेरे चैनल पर 44% व्यूज YouTube सर्च से आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इसी ट्रिक का कमाल है। तो आप भी ये तरीका अजमाइए और अपने वीडियो को YouTube सर्च में लेकर जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।